नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के सेमेस्टर नंबर फर्स्ट और मॉड्यूल नंबर सेकंड की। तो यदि डियर फ्रेंड्स, आपने मॉड्यूल नंबर फर्स्ट का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मॉड्यूल सेकेंड का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद में इसको स्टार्ट कीजिए। हम लोग कंप्लीट मॉड्यूल की बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के, जो निम्मी की क्वेश्चन बैंक है चारों सेमेस्टरों की, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर अवश्य करें। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मॉड्यूल सेकेंड का, कुछ इस प्रकार से आपको इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस गेज का नाम बताइए। आपको बताना है, जो आपको ये गेज दिखाई दे रहा है इस गेज का नाम बताना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस गेज का नाम आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा गेज है। ए आपको दिया गया है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बी बेलनाकार जॉब को जांचना, सी जॉब की ऊंचाई और समानांतरता जांचना, और डी जॉब को मशीनों के डेटम में समानांतर बनाए रखना। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जॉब आपको दिखाई गई है, ये जो गेज आपको दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज का नाम है फिलर गेज। इस गेज को क्या बोलते हैं, इस गेज को बोलते हैं फिलर गेज, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो गेज आपको दिखाई गई है ये फिलर गेज है, और फिलर गेज का उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या जाँचने के लिए किसका यूज करेंगे। दो प्रकार से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि ये जॉब का एक चित्र दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का जॉब है, गेज है, तो ये कौन सा गेज आ गया, ये आ गया फिलर गेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए किस गेज का यूज लिया जाता है, तो किस गेज का यूज लिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा फिलर गेज का उपयोग किया जाता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दिखाया गया है कि इस रेती का आपको नाम बताना है। तो इस रेती का आप लोगों को नाम बताना है, ये जो आपको सामने चित्र में दिखाई गई है ये कौन सी रेती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है रास्प कट रेती। तो रास्प कट रेती आपने देखी हुई होगी किस प्रकार की होती है। रास्प कट रेती की यदि मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से आपकी रास्प कट रेती होती है, ठीक है। ये जो आपकी इस प्रकार की आपने रेती देखी होगी जो साधारण कार्यों में यूज लिया जाता है उसको बोलते हैं रास्प कट फाइल, ठीक है। चलिए सेकंड में यदि बात करूँ तो जो आपको दिखाया गया है एकल कट रेती, ठीक है। एकल कट, सॉरी, ये जो इसका जो राइट आंसर होगा ना ये होगा रास्प कट रेती, ठीक है। रास्प कट रेती होगा, ये जो आपको दिखाई गई है ये रास्प कट रेती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आपको दिखाई गई है ये रास्प कट रेती है। रास्प कट रेती में होता क्या है एक्चुअल में, कि रास्प कट रेती में ये जगह जगह इस रेती के ऊपर क्या होते हैं, डॉट 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 जैसे उभरी हुई सतह के अनुसार इसकी आकृति बनी हुई थी, ठीक है। एकल कट रेती की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो होती है ना ये आपकी एकल कट रेती होती है, इसमें एक कट लगाया जाता है। दोहरी कट रेती में क्या किया जाएगा, इसमें दोहरा कट लगाया जाएगा, इस प्रकार से दोहरी कट रेती होती है। और वर्गाकार, वृत्ताकार जो या फिर कवर्ड रेती होती है उस पर किस प्रकार से होगा, ये दोनों साइड से कवर्ड की हुई होती है, ठीक है। तो ये किनारों में होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कि ये जो रेती आपको दिखाई गई है किस प्रकार की है, तो इस रेती को बोलते हैं रास्प कट फाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिखाया गया है कि इस औजार का नाम बताइए। ये आपके सामने कोई एक औजार दिखाया गया है, इस औजार का आपको नाम बताना है। एक्चुअल में औजार कौन सा है, ये आपका औजार है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तो इस, ये लैग तो इस तरफ साइड में मुड़ी हुई है, ये लैग इस तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों लैग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत साइड में मुड़ी हुई हैं। अब चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आपके सामने इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक तो डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर, विषम लैग कैलिपर, बाह्य कैलिपर, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड कैलिपर, मतलब आंतरिक कैलिपर दिखाए गए हैं। आंतरिक कैलिपर में टांगे जो होती हैं वो बाहर की साइड में मुड़ी हुई होती हैं। विषम लैग कैलिपर की बात करें तो बाहरी सिरे पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका यूज करेंगे, आप लोग विषम लैग कैलिपर का यूज करेंगे बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर चार में आपको दिखाया गया है
कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है। जो लकड़ी होती है, लकड़ी में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं। हम बात किसकी करेंगे, ट्विस्टिंग दोष की बात करेंगे। तो ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है दोषपूर्ण भंडारण, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है असमान सिकुड़ना, ठीक है। असमान सिकुड़ना मतलब, असमान सिकुड़ने का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं असमान सिकुड़ना। ये जैसे कोई, ये अपने पास लकड़ी है, ये अपने पास क्या है भाई, ये अपने पास लकड़ी है। असमान सिकुड़ना, जैसे यहाँ से ये सिकुड़ी हुई है, ठीक है, फिर यहाँ से उभार आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये सिकुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से फिर सिकुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं असमान सिकुड़ना। और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चार का, वो क्या होगा, असमान सिकुड़ना होगा, ठीक है। ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है, ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है असमान रूप से सिकुड़ना, ठीक है। एक आता है गलत सीजनिंग। अब गलत सीजनिंग क्या होती है, गलत सीजनिंग को बोलते हैं कपिंग। गलत सीजनिंग को क्या बोलते हैं, कपिंग बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। गलत सीजनिंग को क्या बोलते हैं, गलत सीजनिंग को कपिंग बोलते हैं। और इसके बाद में आएगा शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, इसको बोलते हैं शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता को बोलते हैं गांठे, ठीक है। शाखाओं की जो अनियमितताओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांठे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ट्विस्टिंग दोष के पूछा है, तो ट्विस्टिंग दोष क्या होगा, असमान रूप से सिकुड़ी हुई जो लकड़ी होगी उसे बोलते हैं ट्विस्टिंग दोष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर पाँच आपको दिया गया है, देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर पाँच आपको दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि मोटाइज छेनी का उपयोग क्या होता है, आपको दिया गया है मोटाइज छेनी का उपयोग क्या होता है। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छिद्र बनाना, लकड़ी को छीलना और फिनिश करना, और लकड़ी के हल्की छेनीकरण के साथ तेज किनारों की सफाई करना। तो ये पूछ रहा है मोटाइज छेनी, क्या पूछ रहा है, मोटाइज छेनी, मोटाइज छेनी का उपयोग क्या लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी में आयताकार छिद्र करने के लिए मोटाइज छेनी का यूज लिया जाता है। अब यदि मैं बात करूं कि लकड़ी में सामान्य छिद्र करने के लिए किसका यूज लिया जाएगा, तो लकड़ी में सामान्य छिद्र करने के लिए किसका यूज लिया जाएगा, तो थर्मल चीजल का यूज लिया जाएगा। थर्मल चीजल का उपयोग लकड़ी में सामान्य छिद्र करने के लिए, और लकड़ी में मोटाई छेनी का उपयोग लकड़ी में आयताकार छिद्र करने के लिए मोटाइज छेनी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा गया है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के टेक का उपयोग किया जाएगा। एक आपके पास सीट मेटल है, सीट मेटल किसे बोलते हैं, जैसे कोई सीट का टुकड़ा है ये आपके पास, इसको बोलते हैं सीट मेटल। तो एक सीट मेटल में तेज मोड़ो हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टेप का प्रयोग तो कहाँ कर करेंगे आप, तो वर्गाकार स्टेप का प्रयोग तो आप लोग करेंगे कि सीट मेटल के सामान्य उपयोग हेतु, ठीक है। वर्गाकार का उपयोग कहाँ करेंगे आप, सीट मेटल के सामान्य, यदि काम में यूज लेना है, सामान्य उपयोग में लेना है, तो वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करेंगे। और यदि आप लोगों को तेज मोड़ों के लिए प्रयोग करना है, ठीक है, यदि आप लोगों को तेज मोड़ों के लिए प्रयोग करना है स्टेक का सीट मेटल के लिए, तो उसको उसमें किसका यूज लेंगे, तो उसमें लेंगे हैचेट स्टेक का यूज लेंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि ब्लो होरन स्टेक का यूज कहां लेंगे, तो सीट मेटल के कार्य के लिए, यदि आपसे सिंपल रूप से पूछा जाए कि ब्लो होरन स्टेक का यूज आप लोग कहां करेंगे, तो सीट मेटल के कार्य के लिए ब्लो स्टोक का, ब्लो होरन स्टोक का, और यदि तेज मोड़ों के लिए हैचेट स्टेक का, और वर्गाकार स्टेक का सामान्य कार्यों के लिए आप लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन दिखाया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे पूछा कहा गया है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। और जो आपका एग्जाम हुआ था राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का, जो आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 23 तारीख के शिफ्ट नंबर सेकंड में। यदि आपने दिया है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए कि जी बिल्कुल सर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्त छेनी और हीरा पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायमंड
पॉइंट चीजल, ठीक है। हीरा पॉइंट छैनी जो होती है, ठंडी छैनी का प्रयोग वर्गाकार पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। अब डायमंड कट जो छैनी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो कुछ इस प्रकार की होती है आपकी डायमंड कट छैनी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लगभग डायमंड कट छैनी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायमंड कट छैनी, वर्गाकार छैनी, ठीक है। तो किनारों पर वर्गाकार पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, डायमंड कट छैनी का यूज़ करेंगे। अब यदि मैं बात करूँ वेब चीजल किसे कहेंगे, तो वेब चीजल या फिर जाली छैनी की मैं बात करूँ, तो जाली छैनी में क्या होंगे, जगह जगह डोट जाली नुमा संरचना की आकृति इसकी बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया था कि कैलिपर के बारे में बताया था, कौन सा, आंतरिक कैलिपर का उपयोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएँ आपको खींचना है, बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएँ आपको खींचना है, तो किस प्रकार के कैलिपर का यूज लेंगे। तो आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, तो जैनी कैलिपर का यूज करेंगे आप, ठीक है। बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए जैनी कैलिपर का यूज लेंगे। अब जैनी कैलिपर की संरचना कैसी होती है, तो देखिए एक टांग तो जैनी कैलिपर की क्या होगी, एक टांग तो इसकी बिल्कुल सीधी होगी और दूसरी टांग क्या होगी, मुड़ी हुई होगी, ठीक है। दूसरी टांग क्या होगी जैनी कैलिपर की, मुड़ी हुई होगी, ठीक है। इस प्रकार के आपका जैनी कैलिपर आएगा और जैनी कैलिपर की एक टांग मुड़ी हुई होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका उपयोग किस में किया जाएगा, जैनी कैलिपर का उपयोग बाहरी पदार्थों के समानांतर रेखाएँ खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किस में किया जाएगा, तो आंतरिक भाग को मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का और बाह्य भाग को मापने के लिए बाह्य कैलिपर का। और डिवाइडर की यदि मैं बात करूं तो बराबर भागों में यदि आपसे पूछ लिया जाए डिवाइडर, यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए डिवाइडर, तो डिवाइडर का प्रयोग किसमें किया जाएगा, बराबर भागों में मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यह आपको कुछ एक चित्र दिया गया है कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है, इस ड्रिल बिट का नाम, ये आपके सामने एक बिट दिखाई गई है, इसका नाम आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग इस चित्र में गौर से देखोगे, ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट नीचे ये जो भाग होगा ना, ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का आपको भाग दिखाई देता है, तो ये टेपर की नुमा बना हुआ है, ठीक है, एक तिरछा बना हुआ है, टेपर नुमा बना हुआ है। तो इस देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, फ्लैट ड्रिल, टेपर ड्रिल, काउंटर सिंक ड्रिल और स्ट्रेस सिंक ड्रिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो वो होगा काउंटर सिंक बिट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये आपको चित्र जो दिखाया गया है, ये आपको ये जो नीचे बिट दिखाई गई है ये क्या है, सॉरी ये क्या है, तो ये है एक टेपर सैंक बिट, ठीक है, टेपर सैंक बिट आपको ये दिखाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है, वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लोहोरन स्टेक और वेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्गाकार स्टेक। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था सीट मेटल का सामान्य यदि उपयोग करोगे तो वर्गाकार स्टेक का, और ब्लोहोरन के लिए केवल सीट मेटल पूछे तो सीट मेटल में किसका यूज करोगे, तो ब्लोहोरन स्टेक का यूज करोगे। हैचेट स्टेक की बात करेंगे तो ये तेज मोड के लिए काम में लिया जाएगा, हैचेट स्टेक, ठीक है। सामान्य कार्य के लिए वर्गाकार स्टेक का यूज लिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है iOS मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 125 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है, ये आपसे पूछा गया। एक अपना फाइन थ्रेड है, ये एक मेटल की सीट है, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि 1.25 जो है वो क्या इंगित करता है, तो ये जो इंगित करेगा वो करेगा थ्रेड का पिच, ठीक है। क्या इंगित करेगा भाई, थ्रेड का पिच को इंगित करेगा 1.25, और ये जो करेगा M12 वो करेगा थ्रेड के व्यास को इंगित करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं का युग्मन क्या कहलाता है। अभी मैंने आपसे बताया था लकड़ी में अनियमित रूप से यदि शाखाएं उगेगी तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 गांठ बोलेंगे, अनियमित रूप से। ये कोई जैसे मैंने मान लिया ये लकड़ी है तो इसमें अनियमित रूप से कोई शाखाएं उग गई तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे गांठे बोलेंगे, ठीक है इनको। चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है एक टैनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाएगा। टैनन आरी है, उसके दांतों को तेज करना है तो किस रेती का यूज करेंगे, तो अपन करेंगे त्रिभुजाकार रेती का उपयोग। ट्राइंगल फाइल का यूज करोगे आप, ट्राइंगुलर फाइल का यूज करोगे, त्रिभुजाकार रेती का यूज करोगे दांतों को तेज करने के लिए। हमेशा ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि x से इंगित भाग का नाम बताइए। ये जो आपको भाग दिखाया गया है ना, ये भाग, इसका आपको भाग का नाम बताना है। चलिए मैं आपको सारे ही भागों के नाम बता देता हूँ कि कौन सा भाग क्या है इसमें, ठीक है। तो जो ये भाग आपको दिया गया है स्टार्टिंग में, ये जो भाग आपको दिया गया है इसको बोलते हैं एज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको भाग दिया गया है, और ये जो आपको भाग दिया गया है इसको बोलेंगे एक्स के रूप में, जो भाग आपको दिया गया है ये भाग, ठीक है, ये बीच का भाग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हील। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, इस एक्स को भाग को क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे, ठीक है। अब टैंक किसे बोलेंगे, जो ये भाग आपको दिया गया है ना, ये आगे का तिकोना सा भाग, इसको बोलेंगे टैंक। और जो शोल्डर किसे बोलेंगे, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, शोल्डर। तो एक्स भाग को क्या बोलेंगे, यहाँ पर हील बोलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जेनी कैलिपर का आपसे पूछा भी गया था थोड़ी देर पहले ही कि इस औजार का नाम बताइए, ये एक औजार का नाम बताइए, एक टांग इनकी सीधी है, एक टांग इसकी मुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया जेनी कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जेनी कैलिपर आ जाएगा, इसकी एक टांग मुड़ी हुई होती है, अभी मैंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में छैनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण का मान पूछा गया है आपसे, ठीक है। एक्स के द्वारा जो प्रदर्शित कोण है, इस कोण का मान आपसे पूछा गया है। तो ये जो भाग है ना, ये कोण का मान आपसे पूछा गया है, एक्स का मान, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो कोण होगा ना, यहाँ जो कोण बनेगा इसके साथ, इसके साथ ये कोण आपसे पूछा गया है। तो ये कोण कौन सा होता है, चलिए तो इसका जो ये कोण होगा, ये कोण कौन सा होगा, इसको बोलेंगे पॉइंट कोण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, पॉइंट कोण। यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच में जो कोण बनेगा ना, इसको बोलेंगे पॉइंट कोण, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि फर्मर छैनी का उपयोग क्या होता है। जो फर्मर छैनी होती है, फर्मर छेजल का उपयोग मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सामान्य छैनीकरण कार्यों के लिए, ठीक है, कौन से कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सामान्य छैनीकरण कार्यों के लिए फर्मर छेजल का यूज लिया जाएगा, और लकड़ी में यदि आपको आयताकार छिद्र बनाने हैं तो मोटाइज छैनी का यूज आपको लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की अर्ध लैंप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जोब के एक भाग से अनंत से कुछ दूरी पर मिलता है, ठीक है। किस प्रकार के अर्ध लैंप जोड़ का उपयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों से अनंत से कुछ दूरी पर मिलता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर सारे ही जोब बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको सारे जोब। देखिए क्रॉस लैंप जोड़ होता है ना, जो आपका क्रॉस लैंप होता है, क्रॉस लैंप जोड़ किस प्रकार का होता है, जैसे देखिए क्रॉस लैंप आपको जोड़ बता देता हूँ, तो ये इस प्रकार का होता है। जैसे मैंने बताया, ये जो आपका जोड़ होगा ना, ये आपका होगा क्रॉस लैंप जोड़। कौन सा लैंप होगा भैया, ये आपका कौन सा होगा, तो ये होगा आपका क्रॉस लैंप जोड़, इस प्रकार का होगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में से क्रॉस लैंप जोड़ होगा। अब चलिए सेकंड जोड़ की बात करते हैं। तो सेकंड जोड़ की बात करते हैं, यदि एंड लैंप जोड़ की बात करें, एंड लैंप जोड़, तो देखिए एंड लैंप जोड़ किस प्रकार का होगा, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, ये हो गया, इसको बोलेंगे एंड लैंप जोड़। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन एंड लैंप जोड़, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंड लैंप जोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट की बात करूं, यदि मिडिल लैंप की, मिडिल की जोड़ की बात करूं, तो इस प्रकार से आपका जो जोड़ होगा ये होगा मिडिल लैंप जोड़। ये कौन सा होगा, तो ये होगा मिडिल जोड़, ठीक है, ये कौन सा होगा, मिडिल जोड़ होगा। अब यदि मैं बात करूं कोना अर्ध लैंप जोड़, ठीक है, किसकी बात करूं, कॉर्नर हाफ अर्ध लैंप जोड़ की बात करूं, तो ये किस प्रकार का होगा, तो ये जो होगा ना, ये कोने से बना हुआ होगा, इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इसमें जो कोने हो ना, ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें एक वी शेप मिलेगा कॉर्नर की साइड में, ठीक है। और सेम ये जो भाग है ना ऊपर वाला, ये भी सेम इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो
तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपसे पूछा गया कि किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ का प्रयोग एक जॉब का एक भाग से सिरे से कुछ अंत दूरी पर मिलता है, तो वो कौन सा मिलता है एक भाग से कुछ अंत दूरी पर, मिडिल लैंप जोड़। अभी मैंने बताया था आपको मिडिल लैंप जोड़, इस प्रकार का जो जोड़ होगा वो होगा मिडिल लैंप जोड़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। 90 डिग्री मोड़ और अंदर के निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक बार नोच जो होता है ना ये क्या होते हैं। तो देखिए ये आपके पास कोई क्या है, ये आपके पास एक धातु की ट्रे है, ठीक है, धातु ट्रे है। इस धातु ट्रे में 90 डिग्री का बता रहा है और अंदर मोड़ के साथ, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ, ठीक है। तो यहाँ से कोई किनारा निकलेगा ना, सॉरी देखिए यहाँ से कोई किनारा निकलेगा, अंदर से कोई किनारा बता रहा है, अंदर से 90 डिग्री का एंगल बता रहा है, ठीक है। अंदर से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ना ऊपर, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हो गया, ये 45 का बन गया आपका, ये 45 और ये भी 45, टोटल कोण कितने का हो गया, टोटल कोण हो गया ये 90 डिग्री का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा होता है, तो ये जो होगा ना आपका, तो ये कौन सा होगा, देखिए ये आपका होगा वी नोच कोण, ठीक है, वी नोच होगा, ठीक है, ये क्या होगा, वी नोच होगा, ये आपको यहाँ से याद रखना था। चलिए 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। सीट मेटल के कार्य के अंदर हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। हेम फोल्डिंग का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार डिब्बे बनाने में सहायता के लिए, सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायता के लिए, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने के लिए, और सीट को छत्ती से बचाने के लिए। तो सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सीट को छत्ती से बचाने के लिए हेम फोल्डिंग की जाती है। अब देखिए हेम फोल्डिंग किस प्रकार से की जाती है, मैं आपको ये बिल्कुल मजबूत फोल्डिंग की जाती है, हेम फोल्डिंग कैसे की जाती है देखिए, कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। ये एक कोई सीट मेटल है, इस सीट मेटल में हेम फोल्डिंग किस प्रकार से की जाएगी, जो लास्ट का जो सिरा है ना, इसका अंतिम सिरा, उसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये जो सीट मेटल है, ये सीट मेटल में हेम फोल्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बिल्कुल मजबूत के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा दोष है जो इसकी शक्ति को कम कर देगा, तो जो अनियमितता है लकड़ी में, जो गांठें पड़ जाती है ना, वो इसकी जो शक्ति है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ये आपको याद रखना है। ये आपको एक हैमर दिखाया गया है, इस हैमर का नाम आपसे पूछा गया है। देखिए ये हैमर आपका कैसा है, यहाँ पर आपको आकृति जो मिलेगी ना, जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो कुछ इस प्रकार का आपको ये हैमर दिखाया गया, बीच में जहाँ से कीले वगैरह निकालने के लिए काम आता है ना, ये आपको बनाया गया, ठीक है। तो इस हैमर का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं क्ला हैमर, जो कील वगैरह निकालने के काम आता है ना, उसको बोलते हैं क्ला हैमर, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था गलत सीजनिंग के कारण कौन सा दोष होगा, तो कपिंग जो दोष होगा ना, कपिंग दोष, वो गलत सीजनिंग के कारण उत्पन्न हो जाएगा आपका। कौन सा दोष की बात कर रहे थे, कपिंग दोष, और कपिंग दोष होता क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग बता दिया था, गलत सीजनिंग के कारण कपिंग दोष जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ पर बात करेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जस्ती सीट के पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्पीक करेंगे। चलिए देखिए देखिए ये सीट मेटल को मोड़ने के लिए किस नोच का उपयोग है। देखिए उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 24 था ना, उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चित्र, पहले तो आप चित्र को देखिए, एस भाग का नाम आपसे पूछा था ना उस चित्र में, तो यहाँ पर जो ये इस प्रकार से खांचे कटे हुए हैं, थ्रेड कटे हुए हैं, इस भाग को क्या बोलेंगे।
अब चलिए अब चलते हैं। तो इस भाग को क्या बोलेंगे, जूट बोलेंगे, फुल फ्रॉम स्पेयर, तिरछी मेल और समानांतर थ्रेड। तो इसका जो बिल्कुल सिंपल हो गया अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ये जो इस प्रकार से ही तो था, इस प्रकार से तो जो वो थे आपके जो खांचे कटे हुए थे, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टेपर्ड मेल थ्रेड, ठीक है, तिरछी मेल थ्रेड बोलेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का, सीट के सिरों को मोड़ना है आपको। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अच्छी तरीके से समझा ही दिया था, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस नोच का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा नोच, ठीक है। सीट के सिरों को आपको मोड़ना है तो मोड़ने के लिए सीधा नोच का आप यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है कि क्रॉस कट ठंडी छैनी का उद्देश्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो 23 मई 2022 का जो शिफ्ट नंबर 2 में एग्जाम हुआ था उसमें सेम ये कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस कट ठंडी छैनी का उद्देश्य, ठंडी छैनी को बोलते हैं कोल्ड चीजल, ठीक है। ठंडी छैनी का क्या उद्देश्य होता है, तो की वेज काटने के लिए, ठीक है, किसके लिए, की वेज काटने के लिए किसका यूज करेंगे, की वेज काटने के लिए क्रॉस कट ठंडी छैनी का यूज करोगे आप लोग, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, एक ये हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, 90 डिग्री है, ठीक है। इंग्लिश हमेशा याद रखना, इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का यूज लिया जाता है, यदि आपको 90 डिग्री मोड़ना है तो किस प्रकार के नोच का, अभी मैंने बताया था एक थ्रेड थी इसमें आपको मोड़ना था, ये 45 डिग्री, ये कौन 45, ये कौन 45, 90 डिग्री मुड़ गया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, वी नोच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, 90 डिग्री मोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, तो 28 में आपको पूछा गया है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग या दस्तियारी का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग करनी है आपको, तो आंतरिक कटिंग करने के लिए किसका यूज करेंगे आप लोग, की होल आरी का यूज करेंगे आंतरिक कटिंग करने के लिए, लकड़ी की आंतरिक कटिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाला स्टेक का, सीट मेटल अभी मैंने बताया था तीन प्रकार के आपको मैंने बता दिए, वर्गाकार का उपयोग सामान्य सीट मेटल के लिए, हैचेट का उपयोग तेज मोड़ के लिए, और ब्लो होरन स्टेक का उपयोग किसमें करेंगे, तो ब्लो होरन स्टेक का उपयोग करेंगे आप सीट मेटल के कार्य के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे दिया गया है कि औजार का नाम आपको बताना है, ये जो औजार आपको दिखाया गया है इस औजार का नाम बताना है। तो देखिए इसमें एक साइड में क्या है, ये नुकुला है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे ट्रैक हैमर, ठीक है, टैक्स हथौड़ा, ठीक है, ये आपको इसका नाम हो गया, ट्रैक्स हथौड़ा नाम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 31, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छैनी का प्रयोग किया जाता है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छैनी का प्रयोग किया, इसको उठा देना, स्किप कर देना इस चित्र को आप लोग, देखिए चैन ड्रिलिंग के बाद पूछा गया है, तो चैन ड्रिलिंग के बाद में आप लोग जालीदार छैनी का यूज करोगे। अब जालीदार छैनी को बोलते हैं वेव चीजल, कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, अभी मैंने पिछले उसमें बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, ये जो होगी ना इस प्रकार से जो छैनी होगी इसको बोलते हैं वेव चीजल, और वेव चीजल का प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है किस प्रकार के स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार की लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है, रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किस प्रकार की वो किया जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्लो होरन स्टेप, ठीक है, मैंने अभी बताया था ब्लो होरन स्टेक का प्रयोग किसमें किया जाएगा, टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए भी किया जाता है, और सामान्य रूप से सीट मेटल में भी किया जाता है, वर्गाकार का सामान्य सीट मेटल, हैचेट का किया जाएगा
तेज मोड़ों के लिए, और ब्लो होरन स्ट्रोक का किस प्रकार के में किया जाएगा, रिवेटिंग और स्विमिंग करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है। तो गांठ दोष का कारण होता है ग्रोथ टू ब्रांचेज, शाखाओं में वृद्धि। ठीक है, शाखाओं में वृद्धि क्या बोलते हैं, गांठे जो बोलते हैं ना, वो क्या इसमें होती है, शाखाओं में वृद्धि के कारण गांठे का दोष होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो भी अब आप लोग ज़रूर देखिए। और ये जो सीरीज़ है, ये ITI स्टूडेंटों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। जो भी स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है, यदि वो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये सेमेस्टर सीरीज़ बिल्कुल वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपसे जो ITI का आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें नहीं पूछा जाएगा। जिस भी सेमेस्टर का आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे संबंधित आप लोग कंप्लीट वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, प्लस में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की खासियत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, UPPCL के लिए, लाइनमैन राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए, DIVRDO के लिए, DMRC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके होने वाला है। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।